हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भूषण गायकवाड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो स्टूडेंट्स, ये अभी जो आप सिलेबस बायोलॉजी का देख रहे हैं, ये क्लास ट्वेल्थ का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस इसी साल 2020 में चेंज हुआ है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सिलेबस के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे आज। तो जैसे कि हम बायोलॉजी के लेक्चर्स चालू करने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीडियो से, तो उसके पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो अभी ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस का पीडीएफ मेरे पास है, मैं लिंक में भी आपको ये दे दूंगा। सो आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो लास्ट सिलेबस की अगर हम कंपेरिजन में इस सिलेबस को कंपेयर करते हैं, तो लास्ट सिलेबस में 19 लेसन थे, दैट इज़ 19 लेसन थे अराउंड। और 19 लेसन के अलावा ये जो अभी नया सिलेबस आया है, इसमें हमको देखने को मिलते हैं करीब करीब 15 लेसन्स। और इन 15 लेसन्स को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे यूनिट 5 है लास्ट, तो 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला यूनिट हम जो देखते हैं, द फर्स्ट यूनिट वी सी, दैट इज़ अबाउट रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में दोनों चीज़ें दी गई है। पहले हमको जैसे अलग अलग दिया गया था ओल्ड सिलेबस में, बट यहाँ पे दोनों साथ में दिए हैं। और ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये अभी NCERT बेस्ड सिलेबस इन्होंने ऐड किया है। मतलब ये सिलेबस आपको नीट के एग्ज़ाम में जो है वो काम में आने वाला है। नीट के एग्ज़ाम में इसका भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हैं। मतलब पहले के जो सिलेबस थे उसमें से बहुत कम, या फिर मतलब 50% ही हम नीट सॉल्व कर पाते थे, लेकिन अभी ये जो सिलेबस है ये ज़्यादातर नीट पे बेस्ड है। मतलब आप नीट के क्वेश्चन आंसर इस सिलेबस से भी आप कवर कर पाओगे, अगर ये सिलेबस भी आप अच्छे से पढ़ते हो, बिकॉज ये भी थ्रू आउट NCERT पे ही फोकस्ड है। जैसे NCERT को किया गया है मैनेज, उसी तरीके से इस सिलेबस को भी मैनेज किया गया है। सो दोस्तों आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको यूनिट 1, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, पढ़ना है, जिसमें 2 लेसन है। ओल्ड सिलेबस के ये दोनों लेसन अलग अलग थे, इस सिलेबस में ये रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो पहले हमको प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन पढ़ने। देन हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो हालांकि पहले इस लेसन का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, बट अभी लोअर एंड हायर एनिमल्स है। इसमें लोअर एनिमल का हमें शायद 1-2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, और मोस्टली हमें एनिमल में ह्यूमन बींग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दूसरा यूनिट हम बात करते हैं, दूसरा यूनिट में हमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हमें जेनेटिक एंड इवोल्यूशन ये चीज़ें पढ़नी है। मतलब सबसे पहले तो यूनिट का अगर हम नाम देखते हैं, यहाँ पे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। इसमें हमें 3 लेसन दिए हैं। 3 लेसन में सबसे पहला जो लेसन है वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हमें मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब क्या, जैसे इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये किसके बेसिस पे होते हैं, DNA। तो उसी DNA के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे इनहेरिटेंस किन चीज़ों के कारण होता है, कैसे होता है, और वो मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, DNA। सिंपल सी बात है, DNA इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर। तो DNA RNA के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, कैसे प्रोटीन बनता है, कैसे कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, ये हमें इस लेसन में पढ़ना है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, लाइफ के ओरिजिन के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई और किस तरीके से धीरे धीरे उसमें बदलाव आया और आज की जो एडवांस लाइफ है वो फॉर्म हुई। इसमें हमें डार्विन के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे इवोल्यूशनरी थेरीज के बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में पढ़ना है, और बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम कैसे एक एनिमल से दूसरा डेवलप हुआ और दूसरे से तीसरा, और आज की एडवांस जो लाइफ है वो अर्थ पे एक स्टेबल कम्युनिटी इवॉल्व हुई है, वो हमें पढ़ना है। देन हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो ये हमें बॉटनी का यूनिट है और इसमें हमें होल प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। देखो यहाँ पे सिर्फ फिजियोलॉजी लिखा है यूनिट 3 में, बट मेनली यहाँ पे हमें प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो ज़्यादातर हमें इसमें प्लांट, देखो पहला ही लेसन है प्लांट वाटर रिलेशन, मतलब प्लांट्स के और प्लांट्स और वाटर के रिलेशन के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है थ्रू आउट द प्लांट।
देन प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन मतलब प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, उनकी ग्रोथ की थेरीज क्या क्या है, किस तरीके से ग्रो होते हैं, किस तरीके से न्यूट्रिशन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें इसमें हमको देखनी। देन रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, अगेन यहाँ पे दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है हमें। पुराने सिलेबस में रेस्पिरेशन ये 11वीं का चैप्टर था और सर्कुलेशन ये 12वीं का चैप्टर था, तो दोनों को ही कंबाइन कर दिया गया है, जिसमें रेस्पिरेशन में हमें इन्हेलेशन एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन हमारे लंग्स में स्टोर होता है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर आता है एक्सहेलेशन के फॉर्म में, और फिर ये जो ऑक्सीजन अंदर जाता है इसका क्या होता है, ये ब्लड में जाता है, देन ये सर्कुलेशन में फॉलो होता है। सर्कुलेशन में हमको हार्ट के बारे में पढ़ना है, कैसे ये ब्लड से हार्ट में जाता है, हार्ट से बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर से हार्ट में आता है, तो ये सारी, और इनके कुछ हमको डिजीजेस भी पढ़ने कि इनमें क्या क्या डिजीजेस हमको देखने को मिलते हैं। देन हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो है एनिमल का लेसन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, तो मेनली ये कॉम्बिनेशन है प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी का, तो इसीलिए आई थिंक इन्होंने फिजियोलॉजी दी लिखा है कि प्लांट फिजियोलॉजी भी हम इसमें पढ़ेंगे और एनिमल फिजियोलॉजी भी हम इसमें पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमको पढ़ना है ब्रेन के बारे में और किस तरीके से हमारी बॉडी में जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है, हमें कुछ जो सुनाई देता है, दिखाई देता है, हमारी सोचने की जो ताकत होती है, ये सारी चीज़ें हमें इस लेसन में एक्सप्लेन की गई है कि किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारा कंट्रोल और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैसे वर्क करता है वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। इसमें हमें सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने मिलेगा, इसमें हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने मिलेगा, इसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ आई स्ट्रक्चर ऑफ ईयर ये सारी चीज़ें देखनी है। देन हम बात करते हैं द थर्ड यूनिट जो हमारा फोर्थ यूनिट में हमें अप्लाइड बायोलॉजी पढ़नी है। ये वो बायोलॉजी, अप्लाइड का मतलब क्या होता है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर बेनिफिट्स, हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे क्या बोल सकते हैं, हमारे हमारे डेली लाइफ में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पैसे कमाने के लिए, इकोनॉमिकल यूज़ के लिए, या हमारी जो भी समस्याएं है वो दूर करने के लिए जो हम बायोलॉजी का यूज़ करते हैं उसे हम अप्लाइड बायोलॉजी बोलते हैं। और इसमें हमें तीन लेसन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमंस में एक हेल्दी ह्यूमन क्या होता है, एक डिजीज्ड ह्यूमन क्या होता है, और डिजीजेस में कौन कौन से डिजीजेस मेजर डिजीजेस है, और इन्हीं लेसन में हमको देखना है कि उन डिजीजेस के कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन लेते हैं। आजकल तो हम ये देख ही रहे कि जैसे कोरोना वायरस का हर तरफ फैला हुआ है, तो ये जब हम लेसन पढ़ेंगे इसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो लेसन है ये हमारे आज की कंडीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। देन हम बात करते हैं एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों लेसन ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं बट वो है नहीं, इन द सेंस कि बायोटेक्नोलॉजी ये ऐसी एक टेक्निक है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में और हमारी हेल्थ फील्ड में, दोनों ही फील्ड में हम ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के मदद से जो कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये हमें बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा मॉलिकुलर लेवल में जाके पढ़ना है, दैट इज़ DNA RNA के बारे में पढ़ना है, कैसे इनको यूज़ करके हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। एनहांसमेंट इन फ्रूट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम जैसे देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हम जो खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं और जो हमारा फूड प्रोडक्टिविटी होता है वो किस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो मैं खेती में हम मैंगो उगाते हैं, ऑरेंज उगाते हैं, तो ये इनका साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें अच्छी वैरायटी कैसे ला सकते हैं, किस तरीके से इसमें फफूंद ना लगे, डिजीजेस ना हो, तो डिजीज़ फ्री प्लांट कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बेस्ट क्वालिटी के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और किस तरीके से उनसे अच्छा प्रोडक्शन लिया जाता है, ये सब हमें इस लेसन में पढ़ना है। इसमें आई थिंक टिश्यू कल्चर के बारे में भी हमको पढ़ना है जो कि हमें रिप्रोडक्शन में भी पढ़ना है। बात करते हैं लास्ट सेगमेंट की, लास्ट यूनिट की, जो कि है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके बारे में आई थिंक मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट फोकस्ड यूनिट है और इसमें हमें पूरे एनवायरनमेंटल इश्यूज़ पे जो है वो स्टडी करनी है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के पिरामिड्स वगैरह आते हैं उसमें। इसके बाद इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, कैसे हमारा इकोसिस्टम वर्क करता है, कैसे एनर्जी का फ्लो होता है एनवायरनमेंट में और किस तरीके से जो हमारी लाइफ है वो बैलेंस्ड रहती है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़, तो ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल अर्थ पे प्रेजेंट है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है और इन एनिमल्स को या प्लांट्स को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है,
इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज़ आज के ज़माने में हो रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, गैस पोल्यूशन। अभी हाल ही में गैस ट्रेजेडी हुई है विशाखापट्टनम में, वीजैक गैस लीक होने के कारण। तो ये सारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ है और इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट जो है वो अर्थ को हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारे इश्यूज़ के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये जो सिलेबस है ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन सिलेबस, वेल डिज़ाइन सिलेबस हम बोल सकते हैं इसको, एंड इट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट गिवन इन द बुक। सो ये बुक जो है, ये जो अभी न्यू बुक लॉन्च हुई है, ये बुक में, ये बुक का जो PDF है वो मैं अपने इसके साथ ऐड कर दूंगा वीडियो के साथ, तो आप प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी ये जो कंडीशन चल रही है इस हिसाब से हमको पढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको पढ़ने को बहुत ही कम समय मिलेगा। सो आपको पूरा समय पढ़ने में नहीं तो दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे पढ़ने में डेफिनेटली इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिटर्न कल बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब यही है कि ये हमारा होल सिलेबस है जो 5 यूनिट में डिवाइडेड है और बेसिकली वेल डिज़ाइन सिलेबस है स्पेशली फॉर नेट। अगर आपको नेट प्रिपरेशन करना है, इवन आप आगे जाके MSTCET भी देते हो, तो वो भी बहुत ही, उस हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है। और इसमें जो कंटेंट दिया है वो भी आई थिंक वेल, मतलब मैंने अभी तक तो एक ही लेसन पढ़ा है बट बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया है। तो बेसिकली आइए हम अभी ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो यूनिट वाइज स्टडीज़ है। तो सबसे पहले हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ते हैं बिकॉज यही बेस है बायोलॉजी का। तो आइए इसी से शुरू करते हैं। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके दोस्तों को भी ये वीडियो जो है वो मिलना चाहिए, उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।